उत्तराखंड का रहने वाला योद्धा जिसने ऐसी जांबाजी दिखाई, उसकी वीरता की कहानी सुनेंगे तो यही कहेंगे, ऐसा किया तो कैसे किया। उत्तराखंड का रहने वाला एक अकेला फौजी, एक नहीं ना जाने कितनों पर पड़ गया भारी, अपनी वीरता से सबकी निकाल दी खुमारी। इस जाबाज फौजी ने 350 सैनिकों को अकेले बनाया था बंदी, उनकी बहादुरी के अंग्रेज भी थे कायल। पहाड़ की जीवटता कितनी विशाल है, कितनी महान है, कितनी प्रखर है, इस किस्से के जरिए आप समझ जाएंगे। एक ऐसे फौजी की वीरता से भरी कहानी से आपको वाकिफ कराएंगे, जिसके बारे में सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां काटने को मजबूर हो जाएंगे। उस फौजी ने अपनी ऐसी वीरता दिखाई कि सात समंदर पार उसकी चर्चा खूब हुई। दशकों बीत गया, जहन में उसकी वीरता का किस्सा हुक्मरानों को है। इंग्लैंड आज भी उसकी वीरता का मुरीद है, जर्मनी आज भी हैरान है, आखिर उन्होंने ऐसा किया तो कैसे किया। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड ने देश को एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक दिए। यहाँ चप्पे चप्पे में किसी न किसी परिवार के अंदर फौजियों का पूरा जत्था है। ऐसे में आप सबके जहन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर इतना मोटिवेशन उत्तराखंड के लोगों को कहां से आता है, क्या आप ये जानते हैं। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी कहानी सुनेंगे तो प्राउड फील करेंगे। ये कहानी उस वक्त की है जब देश आजाद नहीं हुआ था, दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से घिरी थी। उसी दौरान उत्तराखंड के चंबा के एक छोटे से गांव मंजूण के रहने वाले गब्बर सिंह नेगी की जर्मनी की सेना के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। उस लड़ाई में उत्तराखंड का ये लाल अंग्रेजों की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ा। इस लड़ाई में उत्तराखंड के इस वीर सपूत ने जर्मनी के 350 सैनिक और अधिकारियों को अकेले ही युद्ध में बंदी बना लिया था। इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में चंबा के गब्बर सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए, और तभी से उत्तराखंड वासियों को उनकी वीरता के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ये वही किस्से हैं जिनको सुनकर उत्तराखंड के जवान देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। गब्बर सिंह नेगी ने जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता से 350 जर्मनी के योद्धा को बंदी बनाया, उसे देखकर उस वक्त पूरा जर्मनी हिल गया। गब्बर सिंह नेगी की बहादुरी को देखकर अंग्रेज भी दंग थे। उन्हें मरणोपरांत ब्रिटेन के सर्वोच्च सैनिक सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उनका एक मेमोरियल लंदन में भी बनाया गया, जहां पर उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी बहादुरी की वजह से युद्ध में ब्रिटिशर्स को ताकत मिली। गब्बर सिंह नेगी के गांव में उनके जन्मदिवस पर एक मेले का आयोजन होता है, जिसमें उनकी वीरता के किस्से लोगों को सुनाए जाते हैं। यह परंपरा 1925 से लगातार चली आ रही है। गब्बर सिंह नेगी की प्रपोत्री अंजू नेगी कहती हैं कि वो अपने बचपन से ही अपने परदादा के किस्से कहानियां सुनती आईं। गब्बर सिंह नेगी के नाम पर मंजूण गांव में एक स्कूल है, उन्हीं के नाम पर अब उनके गांव का नाम भी जाना जाता है। चंबा का एक छोटा सा मंजूण गांव शहीद गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है, और चंबा बाजार में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सेना के द्वार एक मेमोरियल भी बनाया गया। हर साल मेमोरियल पर सेना के जवान उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं। वहीं गांव में उनकी जयंती पर वीरता मेले का आयोजन भी किया जाता है।